तो गाइज अगर आप भी यहाँ पे MIUI 14 के सिस्टम ऐप अपडेट्स अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए गाइज। यहाँ पे बहुत सारे न्यू MIUI 14 के ऐप अपडेट्स निकल के आए हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप भी यहाँ पे MIUI 14 का वेट कर रहे थे और उनके ऐप अपडेट्स को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आएगी गाइज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं बात करूँ MIUI 14 के चेंजेस के बारे में तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ पांच न्यू ऐप अपडेट्स निकल के आए हैं जिसमें आपको MIUI 14 के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला सिस्टम लॉन्चर है, दूसरा ऐप वॉल्ट है, तीसरा पैकेज इंस्टॉलर, गैलरी और क्लॉक। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइज बात करें यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के बारे में तो मैंने अपने डिवाइस में अब फिलहाल तो सिस्टम लॉन्चर का अपडेट इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि ये चाइना रोम का इंस्टॉल है गाइज MIUI 14 का। इसलिए तो बात करें यहाँ पे क्या न्यू देखने को मिलता है तो न्यू ये देखने को मिलता है गाइज कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पर न्यू विजेट्स को ऐप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जो कि फिलहाल अभी ग्लोबल रोम में नहीं हो पॉसिबल है, चाइना रोम में यहाँ पे आपका पॉसिबल है जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया था प्रीवियस वर्जन के सिस्टम लॉन्चर को इंस्टॉल करके। तो वो वीडियो आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं रिसेंट सिस्टम ऐप अपडेट्स वाला और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वाला विजेट सेक्शन आपको न्यू सिस्टम लॉन्चर में देखने को ऑफिशियली यहाँ पे मिल चुका है जो कि होम स्क्रीन के लिए गाइज। ये तो हो गया गाइज सिस्टम लॉन्चर का अपडेट जो कि एक छोटा सा बग फिक्स और साथ ही साथ MIUI 14 का एक सिंपल सा विजेट्स वाला यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है। सेकंड अपडेट आपको देखने को मिलता है गाइज ऐप वर्ल्ड का जो कि ये भी चाइना रोम में ही है क्योंकि MIUI 14 के सारे फीचर्स चाइना रोम में टेस्ट किए जाते हैं, इस वजह से ये आपको ग्लोबल में नहीं देखने को मिलेगा बट आप इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे को ग्लोबल वाला ऐप वर्ल्ड देखने को मिला है गाइज। तो बात करें यहाँ पे क्या न्यू देखने को मिला है तो चाइना वाले ऐप वर्ल्ड में यहाँ पे आपको न्यू लेआउट देखने को मिला है, न्यू विजेट्स का यहाँ पे रिकमेंडेड एंड कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिला है, साथ ही साथ न्यू विजेट का जो लोगो होता है वहां पे डिफरेंट सा यूआई चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे न्यू विजेट्स को ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरीज और रिकमेंडेड का अलग अलग सेपरेट टैब कर दिया गया है जहां पे आपको कैटेगरीज में देख सकते हैं कैलेंडर, वेदर, सिक्योरिटी का अलग अलग विजेट्स देखने को मिलता है। फिर आपके जो भी एप्स के स्पेशल विजेट्स है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। आप विजेट्स को सर्च भी यहाँ पे कर सकते हैं न्यू वाले MIUI 14 ऐप वर्ल्ड में। और ये जो फीचर है गाइस ये डेफिनेटली ग्लोबल में भी आएगा, जब भी आएगा मैं वीडियो बना के बता दूंगा तो यहाँ पे ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गया गाइस ये ऐप वर्ल्ड का अपडेट है छोटा सा जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं न्यू विजेट सेक्शन के साथ यहाँ पे आया है ऐप वर्ल्ड चाइना रोम जिसे कहा जा रहा है गाइस MIUI 14 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें गाइस तीसरा क्या अपडेट आपको देखने को मिलता है तो तीसरा जो है ये गाइस बहुत ही छोटा सा अपडेट है पैकेज इंस्टॉलर का जिसमें एक मेजर यूआई चेंजेस किया गया है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस पहले इंस्टॉल और एग्जिट का लेआउट कुछ अलग होता था, ग्रीन कलर में आता था बट अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में सिस्टम लॉन्चर, नीचे में उसके में वर्जन, साइज, फिर परमिशन लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे ये जो इंस्टॉल और एग्जिट वाला बटन है इसको यहाँ पे थोड़ा मिनिमल लुक दिया गया है, साथ में यूआई को चेंजेस किया गया है। ऊपर में सेटिंग्स का बटन है गाइज वायरस डेफिनेशन का स्कैन करने का। तो देख सकते हैं ये पैकेज इंस्टॉल के लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे देखने को मिला है गाइज। ये न्यू MIUI 14 में बताया जा रहा है पैकेज इंस्टॉलर है जिसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, इसे भी आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। एपीके में सारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें गाइज एक्स्ट्रा क्या न्यू देखने को मिलता है तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तीसरा आपको देखने को मिलता है गाइज गैलरी का जहाँ पे एक न्यू टैब ऐड किया गया है, उसके बाद न्यू न्यू फीचर्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज रिकमेंडेड ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि फिलहाल चाइना रोम में यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, मैंने ट्राई किया अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने का बट ये यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीट एंड कॉर्नर का अलग अलग फोटो को AI रिकॉग्नाइज करके एक ग्रुप बना देगा तो उसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नीचे में कोलाज, वीडियो एडिटर, ID, आपका डॉक्यूमेंट्स, ये सब और छोटा मोटा क्लिप का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइज ये सिक्योर शेयरिंग, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट ऑन इमेजेस, ये ऑप्शन आपको न्यू देखने को मिलता है जिसमें गाइज ये है कि जैसे ये इमेज है इसके अंदर में जो भी टेक्स्ट है ये आपको उसका रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये सब गाइज न्यू MIUI 14 में बताया जा रहा है कि आने वाला है और ये तो स्पेशली MIUI 14 का गैलरी है जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं गैलरी का फीचर जो कि MIUI 14 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद बात करेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या न्यू अपडेट है, तो ये क्लॉक का अपडेट है, छोटा सा यूआई चेंजेस किया गया है और थोड़े बहुत यहाँ पे गाइज यहाँ मिनिमल लुक दिया गया है क्लॉक ऐप को, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइमर वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको बीच बीच में अंडरलाइन और जो फॉन्ट्स है उसको थोड़ा बहुत बोल्ड किया है। जैसे कि अभी वाला क्लॉक ऐप मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर जो है यहाँ पे सिंपल सा है, जहां पे कोई आपको बोल्डनेस देखने को नहीं मिलता है, कोई भी यहाँ पे यूआई में अंडरलाइन देखने को नहीं मिलता है। बट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े बहुत यूआई चेंज किए गए हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला आइकन है इसे भी चेंज किया गया है वेव फॉर्म की तरह, यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे बर्ड का आइकन था, और उसके बाद न्यू वाले में देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट आइकन देखने को मिलता है जो कि जिसे वेव फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक ऐप में यहाँ पे आपको जो अलग अलग कंट्री के यहाँ पे टाइम ऐड किए उसका भी न्यू लेआउट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं इसमें यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जैसे मैं कोई भी दो तीन क्लॉक को ऐड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे ये पुराना वाला आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा आपको नया वाला देखने को मिलता है। अलार्म में भी देख सकते हैं सेम चेंजेस है, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया गया है, बस वही कुछ है, बैकग्राउंड में बॉर्डर ऐड कर दिया गया है जिसे बताया जा रहा है MIUI 14 और Android 13 में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख ही सकते हैं गाइज यही कुछ है आज की न्यू ऐप अपडेट्स के बारे में। इन सब का जो APK है गाइज यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ से जाके आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी गाइज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन करे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।